सो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुब्रज ग्रुप में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जिस सर, हेलो। हेलो। तो दोस्तों हम कल गए थे मेले में, और कुछ मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें थोड़ा मैंने वो टाइटल गलत लिख दिया था, और इसकी वजह से मुझे कॉल भी आए थे और मैसेज भी आए थे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर आपसे, और भी यूट्यूबर ने डाला था ये बात, लेकिन मेरे ही पास कॉल आया था और मुझे थंबनेल चेंज करना पड़ा था। तो आपकी क्या राय है इसमें अजी सर? सबको नमस्कार शुभराज ग्रुप की तरफ से। और फिलिप भाई, मैं भी खुद नाराज था क्योंकि मेरे पास में भी बहुत सारे फोन आ गए थे। ये आपका, ये सबको पता है कि ये फिलिप गामित चैनल है, डी गामित और राज गामित, ये शुभराज का ही चैनल है, सबको मालूम है। तो ये लोग मुझे भी टारगेट कर रहे थे। आप नियम बनाते हैं, आप एसोसिएशन बनाते हैं और आपके यूट्यूब पर इस थंबनेल में लिखते हैं। लेकिन मेरे पास 15 से 16 यूट्यूबर से ज्यादा मेरे पास में ऐसे थंबनेल भी है। आप अकेले नहीं, उसमें आपका भी डाला था, आपने भी डाला है, मुझे किसी स्क्रीन शॉट भेजा था। मैं ज्यादा यूट्यूब देखता नहीं हूँ, फिर बाद में ये जो बात पता चली ना, तब तो मैं देखने लगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर अभय वल्वी करके है, उसका भी है, और दूसरे उसके अभय मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है, इसलिए उसकी याद, भाई का नाम मुझे याद है, यूट्यूबर का आ गया, बाकी का नाम मुझे इतना पता नहीं है। तो मैं सभी मेरे बैंड ओनर को बताना चाहता हूँ, YouTube एक इंडिपेंडेंट चीज है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आ सकता है, वो इंडिपेंडेंट चीज है। आप जो जिसका वीडियो बनाना चाहते हैं उसका वीडियो आप बना सकते हैं, लेकिन छोटा सा थंबनेल के वजह से इतनी बड़ी चिंगारी मत फैलाओ। ये सिर्फ आपके ऊपर टारगेट नहीं, शुभराज के ऊपर टारगेट है, हम समझ गए हैं। बहुत सारे मुझे फोन आ गए थे। अभी तक 15-16 यूट्यूब पर चैनल वाले ने ऐसा थंबनेल बनाया था, उसके ऊपर किसी ने फोन नहीं किया है, किसी ने मैसेज नहीं किया है। मैंने बैंड में जो ऑनर है उनको भी बताया कि ये जो दूसरे यूट्यूबर है उसके बारे में आपने क्या लिखा है, मेरे को मुझे स्क्रीन शॉट डालो, उसको मैसेज किया है या आपने फोन किया है तो उसका रिकॉर्डिंग डालो। तो किसी ने मुझे डाला नहीं, सिर्फ वो फिलिप भाई के बारे में मुझे कुछ लिख के भेजा था। मैं तो इनको आप लोगों को ग्रुप में डाला है, जी। हमारे पास ये लोगों का ग्रुप है, उसमें मैंने आपने, और हमें तो कुछ प्रेशर ज्यादा ही मिल रहा है वैसे, उस बैंड वाले का मैं नाम नहीं लूंगा, ये हमारी सीक्रेट बात है। लेकिन कुछ मुझे कुछ बुरा लगा था कल, कि इतनी सारे बैंड का वीडियो आप जबरदस्ती हमें इतना प्रेशर दे रहे हो। आप अच्छे से बोल भी सकते हो, और अभी हमने छोड़ ही दिया ऐसे डालने का, जब होगा तब देखा जाएगा सर। अभी एक काम करो, आप प्रूफ कर देना ये सर आपके, मुझे है ना ये टक्कर टक्कर नहीं लेने के लिए हमको प्रेशर डाल रहे थे। जिस दिन ये नजीक नजीक बैंड ला के ऐसा कुछ हरकत करते हैं तो वो वीडियो मुझे डाल दो, फिर सही मैं मेरे जो एसोसिएशन टीम है उसके अंदर में मैं रखूंगा ये वीडियो। तो ये लोग देखो ऐसे करते हैं और अपन यूट्यूब पर के ऊपर प्रेशर लाते हैं, तो इसलिए है ना, वो भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता है कल क्या होने वाला है, और आप ऐसे डालेंगे तो गालियां खाना जरूर पड़ेगा, याद सही रखना, सही सुनना पड़ेगा आपको और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मेरे पास भी 15-16 फोन आ गए हैं। वो कोई बैंड वाला है, वो दारू शराब पी के मुझे फोन कर रहा है, मुझे 11:30 बजे तक तो उसका फोन आया, भैया दिलीप भाई ने फोन तो नहीं कर दिया ना, ऐसा मैंने बोला था, थंबनेल बना दिया है, उसमें बड़ी बात क्या हुआ, आप क्यों फोन कर रहे हैं भैया, आपका बैंड का नाम क्या है, ऐसा बोला। तो ये उसका नाम बोला तो उसका एसोसिएशन में भी नाम नहीं है बैंड वाले का, और कई ऐसे बैंड वाले हैं, मेरे नवापुर तालुका के बैंड वाले हैं। वो जो ये हम नियम, जो भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नियम है, दिल्ली गवर्नमेंट का नियम, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ बिल पास होता है पार्लियामेंट में, उसके थ्रू होता है। तो हमारे नवापुर तालुका के कुछ बैंड वाले है, उसको मजाक लगता है, ये सिर्फ सुपर जंकर वाला, रॉकी वाला, अजीत सर और सुजल भाई नियम बना रहे, ऐसा नियम भाई हम कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उस पे मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, या एसोसिएशन बन जाने दो, फिर ऐसी बात करो तो आपका बैंड कहाँ रहता है वो देखना, और छोड़ाने के लिए आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी, तब तक बैंड नहीं छूटेगा, इतना याद रखना। इतना कड़ा नियम है, लेकिन यहाँ पे चलता है तो चलता है, सब ऑफिसर मैनेज हो जाते हैं, और ऑफिसर आपको हमको सपोर्ट करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ के लोग, जी रहे हैं, ऐसा करके लोग बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। हमने भी दो चार ऑफिसर है आरटीओ के बड़े बड़े, सर तो उनसे बात मैं किया है। वो हमने तो डाला था, लेकिन इतना खतरनाक हमें वो मिल रहा है तो बहुत ही बुरा लगा था मुझे। चलो एक बात आप कॉल पर अच्छे से बोल भी सकते हो, लेकिन वो भाई ने मुझे ऐसा बोला था कि मुझे बहुत ही बुरा लगा था। अगर मैं
अगर मैं सोचता तो उसका मैं वीडियो भी बना देता था और वो बैंड वालों को मैं बदनाम भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने सोचा कि सब भाई भाई है। देखो, जब तक सुब्रत के साथ में जुड़े हैं आप कोई ऐसा काम नहीं करें, ताकि ये ना देखो हमारा बैंड क्या कर रहा है। मेरा अभी कितने दिन से बैंड घूम रहे हैं, एक ही यूट्यूब पर है, वो बैंड कौन सी जगह पे क्या कर रहा है उनको पता ही नहीं है। अगर यूट्यूब पर उसके साथ में है तो हमारा बैंड कौन से एरिया में है, क्या बजा रहा है, वो सब पता चलता है। यूट्यूब पर, यूट्यूब जो चैनल है, कोई भी आप हो या कोई भी छोटा बड़ा यूट्यूब पर वहां पे पहुंच जाता है तब हमको पता चलता है। तो कृपा करके ये सब बैंड वाले ऑनर को भी बोलता हूँ और पब्लिक को भी बोलता हूँ, ये यूट्यूब चीज, ये यूट्यूब चैनल ये स्वतंत्र चीज है, इंडिपेंडेंट चीज है, उसके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। और आप लोग भी, आप लोगों को भी मैं चेतावनी तो नहीं दे रहा, लेकिन आप भी थंबनेल ऐसा मत बनाओ कि आपके ऊपर प्रेशर चढ़ जाए। सही सही, हमने तो अभी छोड़ दिया, हम ऐसा डालेंगे भी नहीं सर, जब होगा तो हम डालेंगे। वो हम जो होगा ना तो मुझे डाल देना, मैं है ना मेरे एसोसिएशन टीम के है ना, मैं उसको डालूंगा। लेकिन इतना खतरनाक हमें जो बोला था वो हमें बहुत ही बुरा लगा था सर, इतना भी आप मत बोलो एक बार। आप बैंड इंडस्ट्रीज में सुनिए, मैं अभी आया हूँ बैंड इंडस्ट्रीज में, उससे पहले बहुत बड़ा वाक्य बना हुआ है दो तीन, वो नहीं दिखता लोगों को, हमारे समाज को बदनाम शर्मसार करके रख दिया था, वो किसी को नहीं नजर आता है। और छोटी सी बात के लिए चिंगारी आप फैला रहे हो, और ये अपने बैंड ऑनर ही फैला रहे, दूसरे नहीं फैला रहे। तो आप पहले जो बन गया है वाक्य उसके ऊपर भी विचार करो, कि बहुत बड़ा वाक्य बना हुआ है, मुझे अभी पता चलता जा रहा है। तो उस पे ऊपर आप विचार करो, ये छोटी छोटी बात पे आप इतना हवा में मत उछलो। और टारगेट आपके ऊपर नहीं, ये शुभराज के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मुझे मालूम है उनका, अरे अजीत सर का चार चार बैंड कैसे चलता है, और हमारा एक बैंड है फिर भी तीन दिन घर पे रहता है, चौथे दिन में प्रोग्राम में जाता है। अरे जिसकी जिसकी मेहनत है, मेरे नसीब में मुझे मुझे मिलेगा, आपके नसीब में आपको मिलेगा। और उसके लिए मैं बैंड तो बंद नहीं कर सकता ना, तो अभी चालू सीजन में बाद में सोचेंगे क्या करना है उसके ऊपर भी। मैं क्या बैंड बजा के ही मैं जी नहीं रहा ना, अभी देखो मैं बैंड बजा के ही मैं मेरा पेट नहीं पल रहा ना, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। आज मसाला बनाते उसमें भी कितने सारे लोग हैं, अगर हम गलत रहते या गलत होते, 12 कंट्री में सब है मसाले बैन हो गए हैं, एवरेस्ट बैन हो गया, जो एमडीएस बैन हो गया, ब्रांडेड मसाले बैन हो गए, हमारा शुभराज क्यों? अरे यूके के वीडियो में आता, यूके के चैनल पे आता है शुभराज ही चल रहा है, दूसरा तो कोई भी, सब पे बैन लग गया है, मैं आपको क्लिप भी डालता हूँ। अगर हम गलत है तो वहां पे 12 देशों में हमारा मसाला का है ना जो टेस्टिंग हुआ, हम वहां पे नॉर्मल पा गए, दूसरे लोग पॉजिटिव पा गए, वहां पे उसका बंद, उसके ऊपर बैन लग गया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। तो हम वैसे भी यहाँ भी हम होने नहीं देंगे ये दो नंबर की चीज या दो नंबर की बातें पे आप ध्यान मत दो ज्यादा, ये टारगेट है सिर्फ शुभराज पे, ये फिलिप गावित या डी गावित या राज गावित। लेकिन सर पहली बार हमें ऐसा जिंदगी में, पहली बार हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे इतना हमने सब्सक्राइबर गेन किया अपनी मेहनत से, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हमें जो प्रेशर मिला है कुछ हमें देखो सरप्राइज। आप ज्यादा डर रहे ऐसा लग रहा है, अगर आपके मन में डर पैदा हो जाएगा ना, कभी आप वीडियो बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। डरने का नहीं, अरे ठाम से खड़ा रहने का, हमको डरने की आदत नहीं है सर, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा हम, ऐसा हमारे हमारे सीने में है ना, ऐसा मजबूती रखते हैं पहले से ही, हम जब जीरो में थे ना तब भी डरने का नहीं, हम डरते नहीं, आप भी मत डरो सर, हम भी नहीं डरते, लेकिन वो क्या है भाई ने ऐसा बोल दिया था, अच्छे नहीं लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा बैंड ओनर हो या कोई भी हो, उसने कुछ आपको गलत बोला, उसके तरफ से भी मैं, उसने माफी नहीं मांगा है, सॉरी नहीं बोला है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। सर हम उसका कभी वीडियो नहीं डालेंगे, हमने जो उन्होंने बोला हम उसका बैंड का कभी वीडियो नहीं डालेंगे, ये हम बोल देते हैं। ठीक है भाई, हाँ सही बात है।